जय श्री हरि। प्रिय मित्रों, आज से हम अपनी नई श्रृंखला परलोक विज्ञान का आरंभ करेंगे, जिसके कुछ रहस्यमय और अद्भुत अंश हम पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की इस पुस्तक से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पंडित अरुण कुमार शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस श्रृंखला की पहली कड़ी को सुनते हैं, जिसका नाम है परलोक विज्ञान का महत्व। भारतीय आध्यात्म शास्त्र के जितने भी विषय हैं, उनमें लौकिक और पारलौकिक तत्वों का निरूपण भी एक है। इन दोनों से संबंधित जो विज्ञान है, उसे परलोक विज्ञान कहते हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो सभी प्रकार की योग तांत्रिक साधनाओं एवं उपासनाओं का आधार एकमात्र परलोक विज्ञान ही है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी परलोक विज्ञान की नींव पर भारतीय संस्कृति और साधना का विशाल भव्य भवन खड़ा है। वैसे परलोक विज्ञान तो उतना ही प्राचीन है जितनी की मानव सभ्यता, लेकिन वर्तमान काल में जिस परलोक विज्ञान की विशेष चर्चा हो रही है, उस आधुनिक परलोक विज्ञान का आविर्भाव विज्ञानवाद और आध्यात्मवाद के समन्वय से हुआ है। उसके आविर्भाव की कथा भी कम विचित्र नहीं है। दिसंबर सन 1847 ईस्वी, न्यूयॉर्क के एक मेथोडिस्ट के परिवार की दो लड़कियों को केंद्र बनाकर रहस्यमयी घात ध्वनि सुनाई पड़ी थी। उस अलौकिक ध्वनि को सुनने के लिए उस विशाल भवन के चारों तरफ जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जैसा कि संकेत किया जा चुका है, उसी घटना को लेकर आधुनिक परलोक विज्ञान का जन्म हुआ और तभी से परलोक विज्ञान वैज्ञानिक शोध का विषय भी बना। उस घटना के पश्चात सन 1873 ईस्वी में ब्रिटिश नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पिरिट्स की स्थापना हुई और प्रख्यात पत्रकार मिस्टर स्टीड लगातार कई वर्षों तक आत्माओं से संपर्क करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश विदेश में धीरे धीरे सियांस यानी प्रेत बैठकों का आयोजन बार बार होने लगा। मिसेस पियर जैसी वैज्ञानिक प्रेत संबंधी अनेक रहस्यमय क्रियाकलापों का प्रदर्शन करने लगी। सन 1899 में सर विलियम वेरेट, एडवर्ड गाने आदि वैज्ञानिकों ने साइकिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की, जिससे संबंधित हिल्प्स वमकासो जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक इस संसार से परे अदृश्य शक्ति में विश्वास रखते थे। योग की जितनी भी रहस्यमय सिद्धियां हैं, उनमें से एक सिद्धि है आकाशचारिणी सिद्धि। इसे ही आकाश गमन विद्या भी कहते हैं। इस सिद्धि के बल पर योगीगण अपने शरीर को हल्का बनाकर धरती से ऊपर उठ जाते हैं और इच्छा अनुसार आकाश में भ्रमण किया करते हैं। अपने तिब्बत प्रवास काल में मैंने इस प्रकार सिद्धि प्राप्त 2-3 योगी भाइयों को आकाश मार्ग में गमन करते हुए देखा था। एविला की संत टेरेसा ने अपनी आत्मकथा में एक स्थान पर लिखा है कि वह ध्यान अवस्था में कभी कभी धरती से काफी ऊपर उठ जाया करती थीं। सन 1852 में मैसाचुसेट्स के वार नामक स्थान पर एक बड़ी रहस्यमय घटना घटी। श्रीमती चैंसी का बायां हाथ अचानक ही हवा में ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे इतना ऊंचा उठ गया कि उसने श्रीमती चैंसी के शरीर को ऊपर खींचकर छत और फर्श के बीच लटका दिया। इसी प्रकार की हवा में उड़ने की शक्ति डीडी होम नामक व्यक्ति में भी थी। सन 1868 में लंदन में एक विशेष समारोह के अवसर पर वह अचानक ही कमरे के फर्श से उठकर छत पर जा लगे थे। उसके बाद वह उड़ते हुए तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर निकल गए और बीच हवा में उड़ते हुए दूसरी खिड़की से अंदर आ गए। उनके इस अनोखे कार्य को देखकर वहां उपस्थित सभी विशिष्ट लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। वैज्ञानिकों के लिए वह अत्यंत अविश्वसनीय चमत्कार था। जिन वैज्ञानिकों ने उस विलक्षण दृश्य को देखा था, उनमें एक थे केटी किंग और दूसरे थे विलियम कुक्स। इन दोनों महानुभावों के घर में प्रेतात्माओं ने आविर्भूत होकर जो उत्पात मचाया कि विवश होकर वैज्ञानिकों को एक स्वर में प्रेतों के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा। कहने की आवश्यकता नहीं है, तभी से परलोक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक रुचि लेने लगे हैं। उनके शोध और अनुशीलन से परलोक विज्ञान की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है और बराबर हो रही है। अब तो वैज्ञानिक लोग सुरक्षित शव में फिर से विदेही आत्मा को प्रविष्ट कराने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। प्रिय साथियों, इस श्रृंखला के जिस अगले विषय पर अब हम चर्चा करेंगे, वो विषय है
लाश को जीवित करने का वैज्ञानिक प्रयोग। क्या मनुष्य पुनर्जीवित हो सकता है? पुनर्जीवित होने पर क्या उसकी वही आत्मा मृत शरीर में प्रवेश करती है जो पहले थी? ये दोनों प्रश्न अत्यंत जटिल है, लेकिन इसका समुचित उत्तर प्राप्त होना चाहिए। लगभग 45 वर्ष पूर्व जब मैं योगी और तांत्रिकों के रहस्यमय देश तिब्बत की जीवन मरण दायिनी हिम यात्रा पर था, उस समय मेरे पथ प्रदर्शक और साथी लामा बोंग मुझे एक ऐसे गुप्त मठ में ले गए जहां 3 उच्च कोटि के लामा योगियों के शव पत्थर के टबों में रखे हुए थे। टबों में किसी अज्ञात जड़ी बूटी का रासायनिक द्रव भरा हुआ था और उसी द्रव में लाशें डुबो कर रखी हुई थीं। लामा बोंग ने बतलाया कि इन 3 योगियों को शरीर छोड़े हुए पूरे 1 वर्ष हो गए हैं। अब उनके पुनर्जीवित होने का समय आ गया है। इस रासायनिक द्रव के प्रभाव से उनकी आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश कर जाएगी और योगी जीवित हो उठेंगे। क्या ऐसा कभी हुआ है? मतलब कि अभी तक इस प्रकार कोई योगी पुनर्जीवित हुआ है? मेरा प्रश्न सुनकर लामा बोंग ने हाथ उठाकर सामने उंगली से संकेत किया। मैंने सिर घुमाकर देखा, वहाँ एक अधेड़ आयु के लामा योगी पद्मासन की मुद्रा में ध्यानास्थ बैठे हुए थे। लामा बोंग ने बतलाया कि इस महात्मा की आयु पूरे 200 वर्ष की है। इस अवधि में इन्होंने प्रकृति के नियम के अनुसार 4 बार शरीर का त्याग किया और 4 बार इसी प्रक्रिया से पुनर्जीवित हुए। ये तीनों योगी जिन्हें आप मृतावस्था में देख रहे हैं, उन्हीं के परम शिष्य हैं, जो अब दूसरी बार पुनर्जीवित होने जा रहे हैं। इस समय इनकी आत्मा इसी मठ में होगी और अपने अपने शरीर में पुनर्प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही होगी। यह सब देख सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। जड़ी के संबंध में पूछने पर लामा बोंग ने बतलाया कि उत्तरी तिब्बत के हिम भाग में एक घाटी है, नाम है संग्रीला। उसी घाटी के आसपास चिंगवा नाम की एक जड़ी पाई जाती है। बड़ी ही दुर्लभ जड़ी है चिंगवा। आयुर्वेद में उसी का नाम मृत संजीवनी है, मगर विरले ही किसी को उपलब्ध होती है और विरला ही कोई पहुंच भी पाता है उस रहस्यमय घाटी में। जो भी हो, लेकिन यह सत्य है कि चीन सरकार को संग्रीला घाटी की अविश्वसनीय विशेषता और चिंगवा जड़ी की गुणवत्ता का पता लग चुका है। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जीवन दायिनी चिंगवा जड़ी की सहायता से चीन के एक चिकित्सा विज्ञानी ने 18 वर्ष से कब्र में दफन एक लाश में जान फूंक दी थी। क्या आप लोग इस सत्य पर विश्वास करेंगे? विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस अविश्वसनीय घटना से आश्चर्यचकित चीनी अधिकारियों ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सन 1972 में मृत्यु प्राप्त फेंग आयो बंद ताबूत में पूरे 18 वर्ष तक कब्र में गड़े रहने के बाद आज जीवित हैं। मगर दुख की बात तो यह है कि जिस डॉक्टर ने फेंग आयो के मृत शरीर में प्राण फूका था, उसको प्रतिबंधित दवा के प्रयोग के आरोप में एक उम्र कैदी का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। साम्यवादी चीन की राजधानी बीजिंग में लगभग 12 वर्ष पूर्व डॉक्टर फेंग ली हुपांग ने चिंगवा जड़ी पर अनुसंधान कार्य शुरू किया। पाठकों को जैसा बतलाया जा चुका है, वह दुर्लभ जीवन दायिनी जड़ी तिब्बत के संग्रीला घाटी में पाई जाती है। संग्रीला घाटी संसार की सबसे अधिक रहस्यमय घाटी है। उस रहस्यमय घाटी में सर्व साधारण का प्रवेश असंभव है। जीवन की गति अति मंद है, काल का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, भूख प्यास और निद्रा, इन तीनों का वहाँ पूर्ण अभाव है। मगर स्वास्थ्य पर उनका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। मगर किसी ने युवावस्था में उसमें प्रवेश किया है तो वह सैकड़ों वर्ष तक उसी प्रकार युवा, चिर यौवन, संपन्न और स्वस्थ बना रहेगा। चीन सरकार ने चिंगवा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसा कि स्पष्ट है, चिंगवा दीर्घायु प्रदान करने वाली दिव्य औषधि है। डॉक्टर फेंग को अपने अनुसंधान में उल्लेखनीय सफलता मिली तो उन्होंने स्वीडन के प्रख्यात चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर कार्ल एकेंसेट को चीन की विज्ञान अकादमी में स्थित अपनी प्रयोगशाला में आमंत्रित किया। डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फेंग ली की उपलब्धियों को देखकर चौंक पड़े। डॉक्टर फेंग ली
एक मानव शव को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सरकार के सामने चिंगवा का उपयोग मानव शव पर करने का प्रस्ताव रखा और अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। डॉक्टर फेंग क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने एक बहुत ही दुस्साहसपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने 18 वर्ष पूर्व मर चुके अपने पिता आयो को ही पुनर्जीवित करने का निश्चय किया। एक रात डॉक्टर फेंग कब्र से अपने पिता का शव निकाल लाए और फिर उसे प्राकृतिक ढंग से ममीकृत किया। उसके बाद उन्होंने शव को चिंगवा के संघनित घोल में डाल दिया। कुछ ही दिनों के बाद शव की सिकुड़ी और मुरझाई त्वचा एकदम नई हो गई। 2 सप्ताह बाद हृदय की धड़कन शुरू करने के लिए उसे कृत्रिम श्वास देने वाले यंत्र से जोड़ दिया गया। कुछ ही घंटों में आयो के 18 वर्ष से निष्प्राण शरीर में चेतना आ गई। प्रारंभ में आयो में स्मृति शक्ति क्षीण दिखी, लेकिन बाद में वो अपने जीवन के बारे में विस्तार से बतलाने लगे। यहाँ एक प्रश्न उभरता है, वो यह कि 18 वर्षों तक आयो की आत्मा कहाँ और किस स्थिति में थी। इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बतलाया। किसी प्रकार डॉक्टर फेंग ली की इस महत्वपूर्ण सफलता की खबर जब सरकार को मिली तो डॉक्टर फेंग ली को पुरस्कृत और सम्मानित करने के बजाय उसने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और पुनर्जीवित पिता आयो को एक अज्ञात अस्पताल में पहुंचा दिया। पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए योग बल, तपोबल और औषधि बल है। इन 3 बलों में से किसी की सहायता से पुनर्जीवन प्राप्त करने का विवरण हमारे पुराणों में यत्र तत्र मिलता है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इन 3 बलों में से कोई एक भी बल नहीं है। उनके पास कोई बल है तो वह है विज्ञान बल। अमेरिका के भौतिकविद रॉबर्ट C.W. एंटीजर, जिन्होंने अपनी पुस्तक में जीवन और मृत्यु की नई परिभाषा देते हुए अमृत्व की संभावना पर बल दिया है, उनका कहना है कि अब आवश्यक नहीं है कि मृत्यु जीवन का अंतिम दौर हो। प्रिय साथियों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस श्रृंखला की कुछ अन्य और अद्भुत कड़ियों को अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। जय श्री हरि।